एक्सक्यूज मी मैम, डू यू नीड एनी हेल्प? मुझे रूम 1001 में जाना है। ओह 1001, लग्जरी स्वीट मैम, प्लीज आइए, लिफ्ट वहाँ है। यू आर वेलकम। तुम्हें मिलने बुलाया है इस आस में कि तुम ना आओ, क्योंकि मिलके तो लोग लोगों को जान जाते हैं, अनजान रहे तो लोग लोगों में इत्मीनान पाते हैं। शायद वो अच्छी होगी, शायद उसकी बातें सच्ची होंगी, शायद की संभावनाओं को तोड़ने तुम मत आओ। जहां मिलने बुलाया है तुम्हें, वहां अक्सर बस आखिरी मुलाकात होती है। जहां इंतजार रहे किसी को बुलाकर भी उसके ना आने का, ऐसी वो काली रात होती है। मुझे एक लोन चाहिए। मैं दे सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त, मेरे साथ एक रात बितानी होगी। क्या कभी सुबह ये खिलेगी, क्या कभी रोशनी भी दिखेगी? सच में हमारे आदि जैसा लगता है? बहुत। और आपको पता है, आरव ना कुछ कुछ अपने दादा जैसा भी दिखता है। मैं दूंगा उसके इलाज के पैसे। आप सच कह रहे हो? आप ये करोगे ना हमारे आरव के लिए? तुम्हारे लिए। मैं उसे बता दूं कि उसकी लड़ाई खत्म हो गई है, अब आरव के दादा दादी आ गए हैं, अब कुछ ठीक हो जाएगा। बता दो। मैं उसे कॉल करती हूँ। Thank you.
मेरे साथ एक रात बितानी होगी। कथा फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या हुआ? कट कर दिया। मैं भी ना, मैंने टाइम देखा ही नहीं, बाहर कितना अंधेरा हो गया है। वो आरव है ना, वो जल्दी सो जाता है, और वैसे भी माओं को तो बच्चों के हिसाब से नींद नसीब होती है, सो रही होगी वो भी। और कल जब मैं उसे ये खुशखबरी दूंगी, तब होगी उसकी जिंदगी की असली सुबह। कितनी काली रात है ना, बाहर तारे भी नहीं दिख रहे। ऐसा लग रहा है जैसे कि अंधेरा पूरे आसमान को खा गया है। तुम खुश हो ना? ड्रिंक? नहीं।
पैसे। ऑफ कोर्स मुझ पे भरोसा नहीं है। डील है तो है, पूरे पैसे हैं, सब कैश, सब तुम्हारे। जाएंगी मैं। क्या हुआ, बुरा सपना देखा? नहीं। फिर पानी ला। नहीं मम्मा, मम्मा याद आ रही है। मम्मा बंदरू, मम्मा की याद आ रही है या मम्मा की चिंता हो रही है? आप डिटेक्टिव हो लेकिन मैं आप दोनों की बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तो फिर बताओ क्या हुआ? मम्मा वो जो जॉब्स करती है डे में और अब रात में भी काम कर रहे हैं। मुझे तो रात में वॉशरूम जाने में भी दर्द लगता है, इसलिए तो मैं शाम के बाद पानी भी नहीं पीता। और अब मम्मा रात में मेरी वजह से काम करने जा रहे हैं। नहीं बच्चे, मम्मा आपकी वजह से काम नहीं कर रही है। आपको एक बात बताऊं, आपकी मम्मा ना बड़ी सेल्फिश है और जुगाड़ू भी। वो जो कुछ भी कर रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रही है, क्योंकि अगर आरव ठीक हो जाएगा तो ऐश किसकी? मम्मा की। अब आरव बड़ा होके वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर बन जाएगा, तो फेमस तो मम्मा भी होंगी ना, है ना? मैं मम्मा को बहुत प्राउड फील करूंगा और वापस रात को कभी काम नहीं करने दो। तो बस फिर फ्यूचर के प्लान के लिए मम्मा अभी जो कुछ भी कर रही है ना प्रेजेंट में, वो बहुत जरूरी है आरव। मम्मा को आपकी चिंता की नहीं, विल पावर की और प्रेयर की जरूरत है। आप करोगे मम्मा के लिए प्रेयर? मम्मा ने मुझे एक प्रेयर भी सिखाया है, सुनाओ? बिल्कुल। सिर्फ हाथ रखो, राखा एक बरस स्वामी सकल खटक अंतर जामी। मतलब भगवान एक ही और उन्हें सब कुछ पता है। हाँ मम्मा उसे पावर देंगे और भगवान उन्हें पावर देंगे। सोचो। Thank you.
करके या तो गलतियों को देखा जाता है या उन बातों को जिन्हें याद रखना हो। तुम तो एक बार भी नहीं मुड़ी, तो ये बस एक बिजनेस ट्रांजैक्शन था। वेरी प्रोफेशनल कथा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।